पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यस और MHA की एक संयुक्त मीटिंग का आयोजन दिल्ली रोड स्थित एक होटल में किया गया। मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आगामी फरवरी फेयर के लिए सभी निर्यातकों से तारीख के लिए चर्चा की गई और सुझाव मांगे गए। सभी के सुझावों को नोट किया गया। इन सुझावों को ETCH के साथ साझा करके आगामी फरवरी फेयर की नई तारीख तय की जाएगी। 45 दिन में MSME के विषय में वित्त मंत्री से समय लेकर उनसे मुलाकात करके इसको पूर्व की भांति करने या समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो वहीं नगर निगम के सहयोग से जगह जगह कैंप लगाकर लोगों की गृह कर की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास होगा। तो वहीं आगामी ETCH के COA चुनाव के संदर्भ में भी यस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विशाल अग्रवाल से नीरज विनोद खन्ना और MHA के अध्यक्ष नबेदुर रहमान ने अवधेश अग्रवाल का नाम प्रस्तावित किया, जिसको उपस्थित सभी निर्यातकों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। कार्यक्रम में MHA के संरक्षक नजमुल इस्लाम, ETCH के वाइस चेयरमैन और यस के चेयरमैन डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना, MHA के अध्यक्ष नबेदुर रहमान के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा निर्यातक उपस्थित रहे। देखिए, आज की मीटिंग का जो मेन मकसद था वो फेयर की डेट्स को लेकर के। अभी हम पीछे से फेयर अभी निपटा करके आज सारे एक्सपोर्टर अभी परसों लौटे हैं। आज दो दिन के अंतरकाल में हमने जो मीटिंग बुलाई है उसका मुद्दा फेयर की डेट्स या फेयर का मंथ या फेयर का वीक हम आगे क्या रखें, इसी चर्चा के लिए यहाँ सारे शहर के जितने भी गणमान्य एक्सपोर्टर हैं, कोर एक्सपोर्टर्स हैं, वो लोग भी मौजूद थे। और हमें आज एक व्यू मिल गया है लोगों का कि कौन से मंथ में फेयर होनी चाहिए। इसका पर्पज़ यह है कि आने वाले टाइम में ETCH जो फरवरी वाली फेयर है उसको हम लोग एक डेट्स में और एक मंथ में फिक्स कर देंगे। जैसे अक्टूबर वाला शो की हमारी डेट्स फिक्स्ड हैं, बायर को पता है और एक्सपोर्टर को भी पता है कब फेयर होनी है। तो एक मुद्दा तो फेयर के डेट्स का था, दूसरा मुद्दा हमारा MSME का जो नया अभी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है उससे सारे निर्यातक जो है यहाँ पर परेशान हैं, जिनकी परेशानियाँ हम लोग दूर करने के लिए आज ही जो है फाइनेंस मिनिस्टर से परसों का हमारा 12:30 बजे का टाइम हम लोगों को मिल गया है और MHA और यस दोनों मिलकर के और ETCH के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। तीसरा मुद्दा हमारा जो है हाउस टैक्स के ऊपर था। हाउस टैक्स से जो एक्सपोर्टर्स परेशान हैं उस सिलसिले में अभी हम पीछे जो अपना नगर विकास मंत्री हैं उनसे भी मिस्टर शर्मा जी से भी मिले थे हम लोग, और उनको भी हम लोगों ने बताया था कि एक्सपोर्टर्स से किस तरह से टैक्स वसूली करी जाती है और टैक्स वसूली के साथ साथ जो अंडर टेबल चीज़ें चलती हैं उसको किस तरह से रोका जाए। तो मंत्री जी ने भी इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया और यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं उनसे बात करके इस निर्णय पे पहुँचे कि आप जगह जगह जो है कैंप लगाइए और कैंप में जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो व्यापारीगण हैं उनका भी कोई आर्किटेक्ट या कोई समझदार आदमी बैठे साथ में और इधर नगर निगम के लोग बैठें जो नगर निगम के टैक्स की प्रणाली है उस सिस्टम को समझाएं। और क्योंकि आज की तारीख में अगर हम कोई टैक्स देते हैं तो हमें उस टैक्स के बारे में ये मालूम नहीं चलता कि वो टैक्स जो है किस तरीके से बनाया गया है, जो उसकी गणना करी गई है वो किस तरीके से करी गई है। तो उसके लिए हम शीघ्र ही अब एक कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके लिए एक्सपोर्टर्स ने इस बात को लेकर के काफ़ी हर्ष उल्लास से जो है हम लोग के साथ में खड़े रहने के लिए जो हमारा उत्साहवर्धन करा। देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के हर 2 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन इसलिए करे जाते हैं कि हर आदमी को उस नया मौका मिले और जो काम करता है वो दोबारा लौट के आता है। हम लोग जो है 2 साल में मैंने और अवधेश जी ने ट्रेड के लिए ही काम करा है और ना अपने परिवार के लिए काम करा, ना अपने मित्रों के लिए काम करा, ना अपने व्यापार के लिए काम करा। हम सब एक ट्रेड के लिए काम करते हैं। और जो है आज अगर ETCH ने इलेक्शन को अनाउंस करा है तो उसका मतलब यह है कि
अच्छे लोग, काम करने वाले लोग जो है दोबारा से आने चाहिए। आज इस बात की भी चर्चा हुई मीटिंग के अंदर, तो मीटिंग में सारे एक्सपोर्टर्स ने, जितने भी यहाँ एक्सपोर्टर्स मौजूद थे, संस्थाओं के लोग मौजूद थे, चाहे वो बाइंग एजेंट एसोसिएशन हो, इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन हो, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन हो, यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी हो, और अलग अलग एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, उन सब लोगों ने हमें पूर्ण रूप से दोबारा से समर्थन करने का जो है प्रॉमिस करा है। और हम लोगों ने भी ये वायदा करा है कि हम लोग ना तो किसी जाति को वोट देंगे, हम सिर्फ जो है ट्रेड को वोट देंगे। कब इलेक्शन होने वाला, अभी तो डेट सामने? अभी जो है इलेक्शन की जो 15 से 20 दिन की प्रक्रिया होती है, आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मार्च फर्स्ट वीक में इलेक्शन हो जाना चाहिए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।